जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता जानकी जी के साथ विवाह की बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर पतित पावनी कथा की, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के घर परिवार में सुख संपत्ति आनंद तो आते ही हैं, साथ ही पति पत्नी में मधुर संबंध बनते हैं, घर में सुख शांति का निवास होता है। तो श्री राम विवाह की इस कथा को कृपया आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी जी के साथ मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। तो इस वर्ष मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 दिसंबर दिन शनिवार को है। इस वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह अर्थात विवाह पंचमी, जिसको कहा जाता है, इस वर्ष विवाह पंचमी उत्सव 19 दिसंबर दिन शनिवार को है। इस परम मंगल उत्सव को कुछ लोग श्री राम विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, कुछ लोग श्री राम जानकी विवाह पंचमी भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धर्म की हर मर्यादा का पालन किया और संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व के सामने यह उपदेश दिया कि एक पुरुष मात्र को कैसे होना चाहिए। धर्म की हर मर्यादा का भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सदा पालन किया था और वहीं पर माता सीता ने सारे संसार के समक्ष अपने पतिव्रता धर्म का पालन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करके संपूर्ण मानव जाति को बता दिया था कि कैसे अपने पति परमेश्वर के साथ सुख दुख में साथ रहना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम जी के माता जानकी जी के साथ विवाह की परम मंगल कथा कि जिसको सुनने मात्र से आनंद ही आनंद जीवन में भर जाता है। तो बात उस समय की है जब राजा जनक ने जानकी जी के विवाह के लिए अपना प्रण सबको कह सुनाया। उस सभा में, राजा जनक की उस सभा में देश विदेश से आए हुए राजा महाराजा भी उपस्थित थे और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी वहां पर उपस्थित थे। तो उस समय राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि जाकर सब राजाओं से मेरा प्रण कहो, उनके सामने मेरे प्रण को बताओ। उस समय सभी भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको जानकारी है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, अर्थात उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। उस सभा में जो वीरता के अभिमानी राजा थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। सभी राजाओं के मन में ये इच्छा थी कि जानकी उनको पत्नी रूप में मिले, इसलिए सभी बारी बारी से उस शिव धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। वे बड़े ताव से उस शिव धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, वे उस धनुष के पास जाते तक नहीं हैं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो सारे शर्म के मारे वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष
अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष किसी से नहीं दिखता था। उस समय सब राजा उपहास के योग्य हो गए। वैसे भी माता जानकी सदा से ही प्रभु राम की अर्धांगिनी रही हैं और इस बार भी माता जानकी का विवाह भगवान श्री राम जी से ही होना था। यह तो प्रभु की लीला थी। आज कोई भी राजा उस शिव धनुष को उठा नहीं पाया है और यह देखते ही जनक जी के मन में अपार दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस सभा में आज कोई भी वीर नहीं रहा। क्या यह सभा वीरों से खाली हो गई है? आगे जनक जी कहने लगे कि अब कोई वीरता का अभिमानी ना राज ना हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर सब अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि अपना प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ? कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके इस तरह उपहास का पात्र ना बनता। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए हैं। परंतु लक्ष्मण जी उसी समय क्रोध के आवेश में भगवान श्री राम जी के चरणों में शीश नवा कर कहने लगे कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने आज कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ाकर ले जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं रखूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, उसी समय पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ है और जनक जी सकुचा गए हैं। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में आज प्रसन्न हुए हैं और बार बार प्रसन्नता दिखाने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से उस समय लक्ष्मण को मना किया है और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया है। ठीक इसी समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा है, हे राम, उठो और शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप आज मिटा दो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने गुरु चरणों में आज शीश निवाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ठीक इसी समय सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए हैं। भगवान राम आज शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। सभी राजा आश्चर्यचकित हैं कि ये वनवासी, ये राम लक्ष्मण क्या धनुष को तोड़ पाएंगे। लेकिन आज महर्षि विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं क्योंकि प्रभु अपनी लीला आगे दिखाने जा रहे हैं। कुछ राजा सोचते हैं कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। ठीक इसी समय भगवान श्री राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम भगवान श्री राम जी ने माता जानकी की ओर देखा है और उन्हें विशेष व्याकुल जाना है। अब वह क्षण आ गया है कि मन ही मन प्रभु श्री राम ने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से आज शिव धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला है। सबने श्री राम जी को
धनुष खींचे खड़े देखा, उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला है। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए हैं। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे हैं। दिग्गज चिंघाड़ने लगे हैं। धरती डोलने लगी है। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे हैं। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे हैं। इसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तब सब भगवान श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे हैं। ठीक इसी समय माता जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। जनक जी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं। उनके सभी दुखों का इस समय नाश हो गया है। रानी सुनैना अति प्रसन्न हैं। माता जानकी आज प्रभु श्री राम जी की सदा सदा के लिए दासी बनने जा रही हैं। वैसे तो माता जानकी प्रभु श्री राम जी की सेवा में सदा से ही रही हैं, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर सभी प्रसन्न हैं। ठीक इसी समय सखियों के बीच में आज सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जय माला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सखियों ने समझ आकर कहा है कि सुहावनी जय माला अब प्रभु को पहनाओ। यह वचन सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में जय माला उठाई है, पर प्रेम के विविश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने भगवान श्री राम जी के गले में आज जयमाला पहना दी है। आज का सुंदर अवसर प्रभु श्री राम जी के माता जानकी जी के साथ विवाह का यह सुंदर अवसर सब देखकर अति प्रसन्न हैं। सबके मन में प्रसन्नता के भाव हैं। इस सुंदर अवसर पर आज श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जय माला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे हैं। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं। दुष्ट लोग उदास हो गए हैं और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ आज ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुद्धावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की ऐसी जोड़ी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। इसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र जी के कहने पर आज अयोध्या में दूत भेजा है ताकि महाराज दशरथ को बुला लाएं और भगवान श्री राम का माता जानकी के साथ विधि अनुसार पूर्ण विवाह कर सकें। आज दूत जाते हैं और दशरथ जी महाराज को और सब अयोध्या वासियों को लेकर आने की उनको कहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आज अयोध्या से जनकपुर को बारात आई है और भगवान श्री राम जी का जानकी जी के साथ विवाह होने लगा है। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता आज प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सब अत्यंत सुख पा रहे हैं। सेवक गण अति प्रसन्न हैं और सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। विधि अनुसार भगवान श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह हो रहा है। आज राजा जनक पत्नी सहित भगवान श्री राम के चरणों को पखार रहे हैं। जिन भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान मुनिगण करते हैं आज उन्हीं चरण कमलों को जनक जी पखार रहे हैं। चारों ओर वेद ध्वनि हो रही है। मुनिगण मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं।
आज सारे जनकपुर में सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री राम और जानकी जी का विवाह हो रहा है। आज विधि पूर्वक हवन करके प्रभु श्री राम जी और माता जानकी की गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु राम का विवाह हो रहा है। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर अपने नेत्रों को परम लाभ पहुंचा रहे हैं। भगवान श्री राम और जानकी जी की मनोहर जोड़ी का वर्णन हो नहीं सकता है। जो कुछ उपमा कहें वह थोड़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी आज कह रहे हैं कि आज पूरे जनकपुर में आनंद छाया हुआ है। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मनियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। आज भगवान श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह हो रहा है। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई हैं और नेग सहित विवाह की सब रीतियों को पूरा किया है। इसी के साथ ही अब वह परम मनोहर घड़ी आ गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है और तब भगवान श्री राम और जानकी जी को एक आसन पर बैठाया है। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर आज दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर बार बार उनका शरीर पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबने कहा है कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। आज भगवान श्री राम जी का जानकी जी के साथ विवाह हो गया है। मंगल की इस घड़ी में आज पूरा जनकपुर और अयोध्या के समस्त निवासी आज आनंद में भरे हुए हैं। त्रिलोकी भर में सभी तरफ आनंद मंगल हो रहा है। आज सृष्टि के रचयिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि आज वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर आज मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ कर दिया है और उसके बाद उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया है और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ कर दिया है। आज सभी भाइयों का विवाह हो गया है। सभी आज मंगल गान कर रहे हैं। सब देवता लोग आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। आज सभी आनंद में हैं, सभी मंगल में हैं। सब पुत्रों को भवों सहित देखकर आज अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो उन्होंने अपने मनुष्य जीवन का संपूर्ण फल पा लिया है। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार का विवाह हुआ है। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मनियों से भर गया है। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के माता जानकी जी के साथ विवाह का जो वर्णन किया था वह कथा आपने सुनी। इस कथा को सुनने से भगवान श्री राम जी के माता जानकी के साथ इस परम मंगल विवाह की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को जो कोई पढ़ेगा उसका भगवान श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम होगा, अनन्य भक्ति उसको मिलेगी, इसलिए इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सभी भक्तों को भगवान श्री राम जी के विवाह उत्सव की हार्दिक बधाई हो, बार बार शुभकामनाएं हो। आज भगवान श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह हुआ है, आप सबको उसकी बार बार शुभकामनाएं।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।